सुन बे गेंडे, बाप जी की बहन की शादी तो फिक्स हो गई, अब अपनी बहन की भी कर दे, मुझसे बढ़िया वर नहीं मिलेगा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, अब मेरा बैकग्राउंड तुझसे बड़ा और मजबूत है ना हाथी भाई। प्लेट लगाओ। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना डालो। मुझे अपने जैसा बनाना है क्या? आएगा तो कम हो जाएगा। मैं क्या पेटू हूँ जो इतना खाऊंगा, ये हाथी भी नहीं खा सकता। हाथी मेरे साथी इतना खाना देखकर सर चकरा रहा है। ए जलेबी, मैं लोगों को बड़े ही प्यार से खाना खिलाता हूँ, परोसे हुए खाने को जो खत्म ना करे उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो फैसला तुम्हें करना है जलेबी, तुम जिंदगी भर ये दावत नहीं भूल पाओगे। शुरू करो। लगता है ये मर्डर का नया स्टाइल है, दूसरे मार मार कर मारते हैं, ये खिला खिला कर। क्या हुआ? बाद में होगा। कितने भुक्कड़ हो, कंट्रोल नहीं होता, इतना खाना खाया कैसे? मर्जी से नहीं खाया, दूसरा जबरदस्ती। जानता हूँ बात कुछ और है, सच सच बोल यार। हाथ हटा, ये मेरा पेट है, ढोलक नहीं जो तू बजा रहा है। सॉरी, लेकिन सच बता ना। तू डॉक्टर है या फिर वकील है? मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तू सवाल पूछे जा रहा है। अपन मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई हो या मुन्नी भाई, मेरा ऑपरेशन कर और खाना बाहर निकाल, मेरा सर मत खा। हम बच्चा बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं, खाना नहीं। इस तरफ सर, यहां है बॉडी। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन की हमारे पास सारी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड है सर। प्ले सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा। ए, ये लोग कौन है जो तीनों कैमरे में दिखाई दे रहे हैं? ये बाबजी नाम का नामचंद गुंडा है और ये उसका अंकल। वो क्या कह रहा है, ऑडियो सुनाओ। इसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है सर। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई लिप रीडिंग एक्सपर्ट है जो इसके कहे हुए शब्द हमें समझा सके? हाँ, एक है। कौन है वो? सर, आप है मुंह बोला, लिप रीडिंग करते हैं। हेलो सर। पक्के बेवड़े लगते हो। सही पहचाना आपने, इस आउटसिंक भरी दुनिया में सिर्फ अकेला मैं सिंक में रहता हूँ सर। सारा दिन टून रहते हो? बिल्कुल नहीं सर, शराब तो इंसान को पी जाती है, लेकिन मैं शराब को सोच समझ के पीता हूँ। जैसे कोई इनकाउंटर करने जाना हो तो मैं दारू का इनकाउंटर करता हूँ सर। ये बताओ, तुम देसी पीते हो कि विदेशी? गवर्नमेंट जॉब में विदेशी कहाँ बचेगी साहब, देसी पीता हूँ। ठीक है ठीक है, टेप दिखाओ इसे। प्ले। Stop. Rewind and play. देखना बाबजी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ग्रेट ग्रेट सिंक, तुमने लिप के हिसाब से बढ़िया सिंक किया। इतने साल आउट सिंक रह के मैंने सिंक करना सीखा है सर। इन सबको पकड़कर तुरंत यहाँ लाओ। जी सर। तुम अकेले जाओगे या तुम्हारे साथ पुलिस फोर्स भेजूं? वाइन शॉप फोर्स के साथ जाता हूं सर, क्रिमिनल को पकड़ना हो तो मेरा फोर्स काफी है। कमाल का कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। थैंक यू। जाओ। भविष्य का सोचकर चाचे मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सब का भविष्य अंधेरे में लग रहा है मुझे। रिमोट तो अब उसके हाथ में है ना, वो जो पिक्चर दिखाएगा वो हमें देखनी पड़ेगी। लुट गए रे नैया। हाय। इसके घर के सामने तो मेयर का घर झोपड़ा लगता है। कौन है बे तू, अंदर कैसे आया? सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करूँ। हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया, चल निकल। इसे किसे बंद किया? दिमाग खराब है, इसका भी जवाब दूँ? मेरा भतीजा बीमार है। वो भी देसी पीता है क्या? पागल हो क्या, ये कोई पीने की जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। जैसे गाड़ी को पेट्रोल, मेरे दिमाग को इस खुराक की जरूरत है। बहुत ज्यादा बक बक करना है कोई से बात? अबे तुझे खत्म करने में सीबीआई एजेंट को देर नहीं लगेगी। तुम से पूछताछ करनी है, चलो। सुन बे, जब पुलिस कमिश्नर बुलाता है तो भी हम नहीं जाते, तू तो देखने में कांस्टेबल लग रहा है। अब ज्यादा बकबक मत कर, निकलो। मैं कोई आलतू फालतू पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं सीबीआई से हूँ, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चट्टी में चलोगे या पतलून में। चलो आप चलिए, हम आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, क्या करते हो तुम लोग? साहब हम लोग छोटा मोटा सेटलमेंट करते हैं। अपना आप मुंह बंद रख।
हम छोटे छोटे सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? अब हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट न मिलने के मैटर, साथ में पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं। आपके घर में भी हो रहे हो तो हम उसे भी सेटल कर देंगे गारंटी के साथ। झगड़ा नहीं, हम प्यार से रहना सिखाते हैं सर, प्यार से। उफ, ये बताओ तुम 21 तारीख को मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय? वो कहाँ है? वो क्या है सर, जब से मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई है हम घर से बाहर ही कहाँ गए। झूठ, वो भी सफेद। सच बताओ मुझे। अब झूठ क्यों बोलेंगे, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और MLAs के साथ हमारा उठना बैठना है, हम एक ही कप में चाय पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे, हम तो घर पर ही चाय पीते। ये क्या बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं? यहाँ क्या बोल रहे थे तुम? वो मैं कह रहा था, आज शुक्रवार है ना, तो महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे, यही बोला था। मर्डर तो मंगलवार को हुआ था। छी छी छी, मंगलवार हो या शुक्रवार, मंदिर रोज जाना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए भतीजे को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, बस इसलिए मंदिर की बातें कर रहे थे। ओ, गलती हो गई हमसे। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ये वॉइस तो मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप, सब कुछ याद आ गया। आपने सही कहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन वहाँ पर कौन सी सिचुएशन? एक लड़के ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे, बस एक छोटी सी वार्निंग देने गए थे, पर उससे पहले हम खुद डर गए। अच्छा, इसका मतलब तुम जिसकी तलाश में गए थे असली खूनी वही है? आप तो यूं ही मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाहते हैं। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे नहीं पता था। देखिए सर, मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है और मेरा दांत दुख रहा है। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। CBI इंक्वायरी तो बहुत ही सिंपल है रे। चलो चलो। सुनो, उस लड़के का क्या नाम है जो तुम्हारी बहन से प्यार करता है? चरण, निकनेम चेरी है। वो करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? बोलो ना। CG ट्रिक्स, पनवेल, सेक्टर 2। ठीक है, अब निकलो। चलो चलो। ये क्या सर, क्रिमिनल्स को छोड़ दिया? जैसे शराब खत्म होने के बाद बोतल को नहीं रखते, वैसे ही मैटर समझने के बाद गवाहों को नहीं। सही कहा ना? क्यों, क्या ये लोग खूनी नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि उनकी आंखों और आवाज में डर था। जब आपने लड़के के बारे में पूछा तब मैंने नोटिस किया। यू आर राइट, पी तो रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग काम कर रहा है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हम उन लोगों को अरेस्ट कर लें? चापलूसी बनकर मुच्छड़, सर बताएंगे। वो खूनी कोई साधारण आदमी नहीं है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इतने सारे मिनिस्टर्स, MLAs, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच अपने टारगेट पर सही निशाना लगाया। फॉर डेडिकेशन, डिटरमिनेशन, डिसीजन लेने की इतनी बड़ी क्षमता, समझ में नहीं आता एक अकेला आदमी ये कर कैसे सकता है। विश्वास ही नहीं होता। उसे अरेस्ट करने के लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। CG ट्रिक्स में जो लड़का काम करता है उसका बायोडाटा चाहिए विद ऑल द डिटेल्स। सर, CG ट्रिक्स का पूरा डेटा मिल गया। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल्स ढूंढो। ये देखो कि मर्डर के दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था। वो छुट्टी पे था। यस। इस फोटो को मंत्रालय के CCTV कैमरा के फुटेज के साथ तुरंत मैच करो। इस फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है सर। मुझे तो प्रोफेशनल लगता है सर, उसने कैमरे में अपने चेहरे को आने नहीं दिया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था सर। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बैगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। उसने जिन लोगों को पीटा उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। हे, उन्हें लेकर आओ। आ जाइए भाई, जंप मारिए, जंप। मैं हूँ, गिरने नहीं दूंगा। लगी तो नहीं ना? आराम से चलिए, जंप मारिए। इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलिए ना, रेस नहीं हो रही है। बस रुक जाओ। नमस्कार साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि रोबोट चल रहा है? टन टन टन, आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ। बॉडी में लीवर, किडनी और हार्ट को छोड़ के सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का सूरमा बन गया है, इसलिए लोहा तांबा जो बंगार मिला सब अंदर डाल दिया। उसके मारने की वजह से सारी बॉडीज की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। देखा आयरन मैन? बिल्कुल टेलकम पाउडर की तरह। क्या यह फोटो उसी की है?
जिसने तुम्हारा ये हाल किया। सर ये फोटो देख के इनके सारे स्क्रू ढीले हो गए, घुमा लीजिए सर, बस बस बस। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों ने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? इनकी हालत देख के लगता है कि बदले की सोचते। ओ, जैसे इनकी बॉडी भंगार है, ये भी हमारे लिए भंगार है सर। तो इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिनिस्टर के भाई की हत्या इसी ने की है। नरपत जी नमस्कार। इंस्पेक्टर CBI, अभी तक उसे पकड़ा या नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई को मारा है वो मुझे भी कुंभ मेले में मारने आ रहा है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपको कभी नहीं मार सकता सर। जब भी आप कुंभ मेले से वापस आएंगे वो आपके सामने हथकड़ी पहने खड़ा होगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। ए, जाओ ढूंढो उसे। आरिया, तुम लोग इस तरफ जाओ, हर तरफ ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा। जल्दी करो, कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। बाप रे, ये पिकनिक स्पॉट समझ रखा है जो टहलने आ गए? ये किसका घर है जानते हो? बाप जी के जीजा जी का। उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। वी आर फ्रॉम CBI। तू कौन है? मैं चेरी का मामा हूँ, नाम जलेबी भाई। जलेबी भाई, मानो या ना मानो मेरा नाम जलेबी ही है भाई। अपना नाम चखना रखता तो ड्रिंक के साथ काम आता। हर जगह ढूंढा सर, वो नहीं मिला। आप किसे ढूंढ रहे हैं, बाप जी को या चेरी को? चेरी को। कहाँ गया वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेले? लेट्स गो। मुझे क्यों? मेरा पेट फट गया है। और क्या क्या फाड़ोगे? सर, स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में CBI के काफी पैसे घुसे होंगे। नहीं, वो बंद रखो, भांजे को फोन लगाओ। ओके सर। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास। निकालने की हिम्मत भी मत करना, शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो।